ये फॉर्मल इंटरव्यू इंटरव्यू से हमेशा उलझन सी होती है मुझे। चलें खैर, देख सकता हूं ये? शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दीदम, कैसी हो? कहाँ की गुड मॉर्निंग दारिया मॉम? वो तो नजर ही आ रहा है, क्या हो गया था? फोन पर क्या कह रही थी, जिंदगी और मौत वगैरह वगैरह? उसे सब कुछ पता चल गया है यार। किससे क्या पता चल गया? पहेलियाँ बुझवाने के बजाय खुल के बताओगी दीदम? अरे वो है ना हयात, मुराद की असिस्टेंट हयात सोना पैक्टिस, वो जो कमाल साहब की बेटी है। वो एक चलाक लोमड़ी है, उसे मालूम है कि कोई प्रेगनेंसी थी ही नहीं। कहीं मुराद को ना पता चल जाए ना मैं प्रेगनेंट थी ना ही मेरा मिसकैरेज हुआ है। लेकिन कैसे पता चल गया उसे? मुझे तो यकीन है क्लिनिक जाके जासूसी की है उसने अपनी फ्रेंड के साथ। अब क्या होगा दारिया मॉम, अगर मुराद को उसने बता दिया इस बार तो हमेशा के लिए सार्टे से मुझे फायर कर देगा, बल्कि इससे भी बुरा होगा। रिलैक्स हो जाओ, देखो वो मुराद से नहीं बल्कि तुमसे इस मामले पर बात करने आई, इसका मतलब उसके पास सबूत नहीं है किसी भी चीज का। और वैसे भी हॉस्पिटल वालों का मुंह बंद करवा चुकी हूँ मैं, इसलिए इजी हो जाओ, कुछ नहीं कर सकती वो लड़की। जानती नहीं आप, वो मौका पाते ही जरूर कुछ ना कुछ कर देगी दारिया मॉम। बहरहाल मुराद और उसके बीच अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है क्या मतलब? मतलब पहले कुछ चल रहा था, अकेले में बातें, साथ घूमना फिरना, काफी क्लोज हो गए थे वो। मुराद भी काफी इंटरेस्ट ले रहा था, वो लड़की मेरे ही नहीं आपके भी रास्ते का पत्थर है, ये बात आप समझ लें। हर सूरत इसका पत्ता साफ करना होगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा है। मुझे भी इसका काम अच्छा लगा, बेहतर हो गया पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर हम साथ वर्किंग पर एग्री कर रहे हैं तो शेक हैंड करें, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इब्राहिम को कुछ कंसर्न्स हैं। अपना है तोड़ना आसान नहीं असल में, ऐसे ही है जैसे एक्स गर्लफ्रेंड से फिर मिलना। यार कोई मसला नहीं, समझो समंदर में छलांग लगा रहे हो, सोचो मत, बस आंख बंद करके कूद जाओ। मुझे नो कहना नहीं आता यार, और कमिटमेंट बहुत सोच समझ कर करता हूँ, मगर एक बार कर लूँ तो हर हाल पर निभाता हूँ। फिर डन हो गया, वेलकम टू सार्टे। थैंक यू मुराद। हाँ लीजिए, आपकी असिस्टेंट आ गई। मैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ जो आपने कहा था। हेलो, मैंने सोचा तुम शायद ही मिलो। आप एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों बहुत क्लोज हैं। जब ये तुमने कहा तो मेरी तो हंसी ही निकलने वाली थी। इस गेम का अंदाजा नहीं होना चाहिए मुराद को, तुमने कर दिखाया इसमें तो कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच इब्राहिम, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस करो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? खिड़की पर है मुराद। ये वहां पर क्या कर रहे हैं? बस इजी रहो। अच्छा जल्दी से बताओ हमें क्या करना चाहिए, हंसो हंसो बताओ ना। मुझे लग रहा है हाई स्कूल के दौर में पहुंच गया हूँ वापस। मेरा तो मुंह दर्द होने लग गया है हंस हंस के। चलो अब तुम मुझे गले लगाओ और यहाँ से जाओ। जाहिर है तुम तैयार हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम। Thank you.
क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अंदर आ सकती हो। मैं नॉक करने वाली थी मुराद सर। तो नॉक किया तुमने? तो आपने मुझे मोहलत दी कब? बोलो क्या है? मुराद सर वो नया एडवर्टाइजिंग एजेंट है ना हमारा, वो क्या नाम था उसका? इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम के बारे में पूछना था कि आप उसका हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहेंगे या मैं खुद देख लूं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? अरे कुछ तो बोले मुराद सर, आपके इस मूड से बहुत डर लगता है मुझे। ये बताओ दुरुक साहब कहाँ है? निजात सर के रूम में है। जब भी इनके पेट में गड़बड़ होती है इसी तरह काट खाने को दौड़ते हैं सबको। ये वाला और आई थिंक ये भी रख लो। इन सब पर वर्किंग कराएं फौरन और मुझे मॉडल्स के 3 ऑपरेशन चाहिए कम से कम। प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। ओके सर। कोई और नहीं है इस काम के लिए? भाई आप उस वक्त मना कर देते। उसके सामने तो नहीं कह सकता था ना। और तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसे जॉब ऑफर कर दी। भाई हमारी रिक्वायरमेंट पर बिल्कुल फिट है, देखें ये सीवी है उसकी। एक मिनट दुरुक, उसकी सीवी से मुझे कोई मतलब नहीं। वो हमारी कंपनी में एडजस्ट नहीं हो सकता और जहां तक मेरी पर्सनल राय है वो हमारे साथ चल ही नहीं सकता। उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है। या अल्लाह यार भाई अब जरा सा कोई इशारा तो कर देते मीटिंग के दौरान, अब अचानक क्या करें बताएं? अब हयात को क्या जवाब दूंगा? अभी तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे। इस बात का हयात से क्या ताल्लुक है? यार हयात का दोस्त है ना वो, बल्कि क्या आई थिंक बॉयफ्रेंड होगा वो उसका गालिबन। रात पार्टी में साथ थे, एक लम्हे के लिए अलग ही नहीं हो रहे थे एक दूसरे से और एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे कि बस करो बहुत हो गया और कुछ जानना नहीं चाहता मैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनके रिलेशन का हमारे काम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा भाई। आई थिंक वो बहुत प्रोफेशनल है और उसके कॉन्सेप्ट भी हमारी कंपनी के लिए बहुत यूनिक है। तो फिर क्या करें, ना चाहते हुए भी जबरदस्ती काम करें? Love's an unlamar.